हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज दाइमा एंड यू आर वॉचिंग दाइमा इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है एक सेंटेंस में कितनी तरह के वर्ड्स प्रयुक्त होते हैं, उन वर्ड्स को अगर हम पार्ट्स बना करके लिखें तो एक सेंटेंस में जनरली 8 खंड या 8 भाग, जिनको कि हम 8 प्रकार के शब्द कहते हैं, का प्रयोग हम करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रयुक्त होने वाले वो 8 वर्ड्स, 8 पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस वो निम्नलिखित हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। सबसे पहले हम नाउन की बात करते हैं। सामान्य जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। हिंदी में अगर हम कहें तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह सर्वमान्य और प्रचलित परिभाषाओं में से एक है। नाउन के प्रकार की बात हम करें, नाउन 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। हम प्रॉपर नाउन की पहचान हम इस तरह से कर सकते हैं, इंग्लिश में इनको कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन चाहे सेंटेंस के बीच में ही क्यों ना लिखा जाए, हमेशा इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, इसकी प्लूरल नहीं बनती। इस तरह से ये अपने आप में स्पेसिफिक बन जाता है, विशेष बन जाता है। किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसमें किसी भी तरह से आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। ये 3 चीज़ें हो गई। सबसे पहला कैपिटल लेटर का प्रयोग इसमें होता है शुरू में, दूसरा इसमें इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं बनती, तीसरा इसमें किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। ये इसकी पहचान है। आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे इंडिया, इंडिया इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, इसकी प्लूरल फॉर्म भी नहीं होती, और जब हम इंडिया को लिखेंगे तो आई कैपिटल लेटर में लिखेंगे। इसी तरह से हम किसी का नाम लिखें राहुल, तो राहुल का आर कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, इससे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। और थर्ड, इसमें किसी भी प्लूरल फॉर्म, कोई भी प्लूरल फॉर्म इसकी नहीं होगी। अजमेर, गंगा, ये इसके अन्य उदाहरण हैं। कॉमन नाउन की बात करें, कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जातिवाचक संज्ञा में जाति से कहीं दूर तक लेना देना इसका नहीं है। जाति का मतलब इसमें है कि एक ही तरह की जितनी भी वस्तुएं, व्यक्ति या प्रजातियां जो होती हैं उनको एक कैटेगरी में रखा जाता है, एक विशेष श्रेणी इसकी बन जाती है। जातिवाचक संज्ञा में सबसे बड़ी बात यही है कि प्लूरल फॉर्म बनती है। जातिवाचक संज्ञा, जिस ऐसा कोई भी वर्ड जिसकी प्लूरल फॉर्म बनती हो वो कॉमन नाउन हो जाती है। कुछ प्रॉपर नाउन जो होते हैं उनका भी यदि आप प्लूरल बना देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन न होकर के कॉमन नाउन बन जाती हैं। तो सामान्य तौर पर ऐसा वर्ड जिसकी बहुवचन बनती हो, बहुवचन यानी कि प्लूरल फॉर्म बनती हो, वो कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे बॉय, अब इसका बहुवचन बनता है बॉयज़, इसमें आर्टिकल का प्रयोग भी होता है, अ बॉय, बॉयज़, इस तरह से आप लिख सकते हैं। एलिफेंट, यह भी कॉमन नाउन है, इसका प्लूरल बन सकता है। इसी तरह से काऊ, इसका भी बहुवचन बन सकता है। रिवर बहुवचन बन सकता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। हैंड, इसका भी बहुवचन बन सकता है, इसलिए हैंड्स बहुवचन हो जाएगा, तो ये कॉमन नाउन है। तो इस तरह से हर वो वर्ड जिसकी प्लूरल फॉर्म बनती हो वो सामान्य तौर पर कॉमन नाउन होता है, ये इसकी पहचान है। थर्ड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है इसमें हम इसको हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
ये भावों को प्रकट करने वाले शब्द इसके अंतर्गत आते हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते या देख नहीं सकते, जो अनसीन होती हैं, अनटचेबल होती हैं। वो चीज़ें अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं, जैसे लव। अब इसको कोई देख नहीं सकता, लव मोटा होता है, ताज़ा होता है, काला होता है, गोरा होता है, कोई इसको छू नहीं सकता, नरम होता है कि हार्ड होता है। इसी तरह से बहादुरी, ब्रेवरी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, कैसी होती है, काली होती है, गोरी, मोटी, पतली, इसको हम बता नहीं सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते बहादुरी को, इसलिए ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक भाव है। फ्रेंडशिप, दोस्ती, एनिमिटी, ये भी एक भाव है। तो इसी तरह से ब्यूटी, सुंदरता, ये भी एक भाव है, देख नहीं सकते, इसको महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं मटेरियल नाउन को, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये मटेरियल जो धातुएं होती हैं वो आती हैं, द्रव्य जो होते हैं वो आते हैं, पदार्थ जो हैं वो आते हैं, इसलिए इसको पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक कहा जाता है, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, ऑयल। अब देखिए इसमें भी प्लूरल नहीं बनता, ऑयल्स हम कभी भी नहीं करते, एक तेल, दो तेल, इस तरह से कभी भी नहीं करते, इसमें आर्टिकल का प्रयोग भी नहीं होता, प्लूरल भी नहीं बनता, और द्रव्य यानी कि पदार्थ होता है। इसी तरह से जैसे O2 ऑक्सीजन, इसी तरह से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, गोल्ड, कभी भी आप ये नहीं कहेंगे एक सोना, दो सोना, तीन सोना। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हो एक किलो सोना, दो किलो सोना, लेकिन आप सोने को एक, दो सोना इस तरह से नहीं कहते हो। तो इसकी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनती, आर्टिकल इसमें भी नहीं लगता। अगर आप इसमें आर्टिकल, अगर आप इसकी प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो फिर इसका अर्थ जो है वो बदल जाएगा। जैसे अगर आप वाटर्स करते हैं तो वाटर्स एस लग गया, प्लूरल फॉर्म बन गई, तो इसका मतलब यहाँ नदियाँ हो जाएगा या समुद्र हो जाएगा, जो साहित्यिक दृष्टि से इसका मीनिंग निकलेगा। नेक्स्ट इसमें आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जैसे नाम से ही स्पष्ट है, कलेक्शन इसमें होता है, संग्रह इसमें होता है, समूह इसमें होता है, जैसे क्राउड। अब ये भीड़ इसमें क्या है, ये समूह है, समूह को बताता है। इसी तरह से ग्रुप, टीम, पीपल, ये सब कलेक्टिव नाउन होते हैं। इनमें कभी कभी हम प्लूरल बना देते हैं, लेकिन ये क्योंकि समूह होते हैं और इनसे समूह का बोध होता है, इसलिए इसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये जातिवाचक संज्ञा से थोड़ा सा अलग है, सिर्फ जातिवाचक संज्ञा का ही प्लूरल फॉर्म बनता है, लेकिन उसमें वो एक एक व्यक्ति विशेष या एक स्थान विशेष या एक जानवर विशेष उसमें होता है अपनी श्रेणी का, लेकिन इसमें एक पूरा का पूरा टीम यानी कि समूह का बोध होता है समूहवाचक संज्ञा में। जनरली नाउन्स का प्रयोग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। इससे संबंधित, नाउन से संबंधित बहुत सारी बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, नाउन्स से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।